हेलो फ्रेंड्स, नाउ वी आर स्टार्टेड चैप्टर नंबर 7, प्लांट ग्रोथ एंड मिनरल न्यूट्रिशन। सो नाउ दिस आर द सेशन 1। इन सेशन 1 वी आर स्टार्टेड प्लांट ग्रोथ एंड फेजेस ऑफ ग्रोथ। प्लांट ग्रोथ, मोस्ट ऑफ द प्लांट कंटिन्यू ग्रोथ थ्रू आउट द लाइफ। प्लांट की जो ग्रोथ है थ्रू आउट द लाइफ रहती है, बट इन एनिमल इट इज लिमिटेड, बट इन प्लांट इट इज़ अनलिमिटेड एंड इट इज़ प्रेजेंट थ्रू आउट देयर लाइफ। इन प्लांट ग्रोथ इज रिस्ट्रिक्टेड टू द मेरिस्टमेटिक रीजन। प्लांट में जो ग्रोथ है वो मेरिस्टमेटिक रीजन में ही रिस्ट्रिक्टेड रहती है एंड इट इज़ वेरी स्पेसिफिक। सो नाउ मेरिस्टमेटिक रीजन कंसिस्ट ऑफ मेरिस्टमेटिक टिश्यू एंड दिस टिश्यू सेल्स अंडरगोज continuous differentiation to form new cells. So this newly formed cell undergoes differentiation to form a different tissue and different organs, that is it forms primary conducting tissue and then secondary conducting tissue. So these are the primary cells and secondary cells. So meristem, these are specialized cell एंड दिस सेल हैविंग एबिलिटी टू अंडरगोज रिपीटेड डिविजन। तो प्लांट की जो ग्रोथ है इट इज़ रेस्ट्रिक्टेड इन द मेरिस्टेम, मेरिस्टेम में ही रेस्ट्रिक्टेड रहती है। और ये जो मेरिस्टेम के जो सेल है दे आर अंडरगोज रिपीटेड माइटोसिस, इसमें कंटिन्यूस माइटोसिस होते, सेल डिफ्रेंशिएटेड होते, अनडिफ्रेंशिएटेड होते एंड टू फॉर्म प्राइमरी सेल एंड सेकेंडरी सेल, सेकेंडरी टिश्यू सेल्स। ओके, प्राइमरी सेल में आपको पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्केलेन्काइमा पाएंगे। ओके, एंड सेकेंडरी में क्या पाया जाएगा, जाइलम एंड फ्लोएम, दे फॉर्म्स अ कंडक्टिंग टिश्यू। सो नाउ मेरिस्टेम गिव राइज टू द डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द प्लांट्स। ओके, नाउ दे फॉर्म्स डिफरेंट स्ट्रक्चर लाइक लीव्स, रूट, फ्लावर, फ्रूट। सो मेरिस्टेम अकॉर्डिंग टू द लोकेशन दे आर 3 टाइप्स। कितने टाइप के मेरिस्टेम रहते हैं? 3 टाइप्स। अगेन आई विल रिपीट, वॉट इज प्लांट ग्रोथ? प्लांट ग्रोथ इज अ कंटिन्यू थ्रू आउट द लाइफ, और प्लांट की जो ग्रोथ है रेस्ट्रिक्टेड टू द मेरिस्टमेटिक रीजन। सो नाउ द मेरिस्टमेटिक रीजन हैविंग अ स्पेशलाइज सेल कॉल्ड एज अ मेरिस्टेम। ये मेरिस्टेम कंटिन्यूस क्या होते हैं, अंडरगोज डिविजन टू फॉर्म न्यू टिश्यू, टू फॉर्म प्राइमरी एंड सेकेंडरी टिश्यू सिस्टम। इट गिव राइज टू द डिफरेंट ऑर्गन्स लाइक लीव्स, फ्लावर, फ्रूट, ब्रांच एटसेट्रा इन द प्लांट। So according to the location, the meristem are 3 types: apical meristem, intercalary meristem and lateral meristem. The first one is the apical meristem. So apical meristem present in the apices of the stem and root. आप लोग नीचे डायग्राम में देख सकते हो कि apical meristem कहाँ पे present है, stem के tip पे present है और root के tip पे present है। And now this meristem undergoes repeated mitosis division and responsible for growth in a length and height of the plant parts. तो ये stem की और root की height बढ़ाता है। Okay, it contributes to the primary growth. It gives rise to the primary cell system. तो ये meristem जो है वो primary cell देते हैं। Primary cell से क्या होता है, linear growth होती है। प्लांट की हाइट बढ़ना है, स्टेम की हाइट बढ़ना, रूट की हाइट बढ़ना रिस्पॉन्सिबल रहते हैं। दीज आर द एपिकल मेरिस्टेम जो रूट के टिप पे प्रेजेंट है और स्टेम के टिप पे प्रेजेंट है एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ इन लेंथ एंड हाइट ऑफ द प्लांट। ये वो आपका एपिकल मेरिस्टेम। नाउ सेकंड वन इज द इंटरकैलरी मेरिस्टेम। सो नाउ इंटरकैलरी मेरिस्टेम लोकेटेड ऑन द नोड ऑफ द नोड और बेस ऑफ द नोड। तो ये इंटरकैलरी आप डायग्राम में देख सकते हो, इंटरकैलरी कहाँ पे प्रेजेंट है, दे आर प्रेजेंट ऑन द नोड और बेस ऑफ द इंटर नोड्स। नोड पे प्रेजेंट है और बेस ऑफ द इंटर नोड पे प्रेजेंट है। ओके, एंड नाउ दिस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ इंटर नोड। ये इंटर नोड की लेंथ बढ़ाता है एंड ऑल्सो हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ लीफ प्रीमोर्डिया एंड लैटरल बड्स। तो वंस अगेन आई विल रिपीट, what is intercalary meristem? Intercalary meristem present on the nodes or base of the internodes. ये किसके लिए responsible रहता है, increase in the length of internodes के लिए और formation of leaf
प्रीमोर्डिया, प्रीमोर्डिया से लिप्स बनेगा एंड लैटरल बड्स से क्या बनेगा, एक्सिलरी और टर्मिनल बड्स. सो दीज आर द इंटर कैलरी मेरिस्टेम. नाउ नेक्स्ट वन इज अ लैटरल मेरिस्टेम. लैटरल मेरिस्टेम लोकेटेड ऑन द एक्सिस ऑफ द डाइकॉट एंड जिम्नोस्पर्म प्लांट बिकॉज लैटरल मेरिस्टेम अब्सेंट इन द मोनोकॉट. तो आप लोग नीचे डायग्राम में देख सकते हैं कॉट कैम्बियम बड़ा है. सो देर इज अ वैस्कुलर टिश्यूज आर देयर. आप उड़न को जो कट करते हो तो ऐसे बहुत सारे रिंग्स देखते हो. दीज रिंग्स आर द वैस्कुलर कैम्बियम एंड वैस्कुलर कैम्बियम हैविंग अ लैटरल मेरिस्टेम. तो इस डायग्राम में आप लोग देख सकते हो वैस्कुलर कैम्बियम. दिस वैस्कुलर कैम्बियम इज अ लैटरल मेरिस्टेम. सो इट इज प्रेजेंट ऑन द स्ट्रिप ऑफ द वैस्कुलर बंडल ऑफ द डाइकॉट स्टेम एंड इन द जिम्नोस्पर्म. तो किस पे प्रेजेंट है, स्ट्रिप पे प्रेजेंट है. किसके स्ट्रिप पे, डाइकॉट स्टेम और जिम्नोस्पर्म के. सो दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज अ वैस्कुलर कैम्बियम. आप लोग डायग्राम में अच्छी तरह से देख सकते हो वैस्कुलर कैम्बियम. एंड नाउ दिस वैस्कुलर कैम्बियम इंक्रीजेज द ग्रिप ऑफ द स्टेम. स्टेम की जो चौड़ाई है वो कौन बढ़ाता है, वैस्कुलर कैम्बियम. सो नाउ दीज आर द थर्ड टाइप ऑफ मेरिस्टेम, लैटरल मेरिस्टेम, जो कहाँ पे प्रेजेंट है, लैटरली प्रेजेंट अलोंग द एक्सिस ऑफ डाइकॉट एंड जिम्नोस्पर्म प्लांट्स एंड इंक्रीज द ग्रिप ऑफ द डाइकॉट और जिम्नोस्पर्म प्लांट. डाइकॉट और जिम्नोस्पर्म प्लांट की ये साइज बढ़ाता है, चौड़ाई बढ़ाता है. सो दीज आर द लैटरल मेरिस्टेम. नाउ नेक्स्ट वन, नेक्स्ट टॉपिक इज अ फेजेस ऑफ ग्रोथ. सो नाउ प्लांट ग्रोथ रिस्ट्रिक्टेड इन द मेरिस्टमेटिक रीजन, हम लोगों ने देखा पहले. सो दिस मेरिस्टम, मेरिस्टमेटिक टिश्यू अंडरगोज कंटिन्यूस डिवीजन टू फॉर्म न्यू सेल्स. दिस सेल गिव्स डिफरेंशिएटेड, ये जो नए सेल बनते हैं मेरिस्टम, मेरिस्टम जब डिफरेंशिएट होता है, इट गिव्स टू दिस सेल्स अंडरगोज डिफरेंशिएशन. वापस देखो, इन प्लांट ग्रोथ इज रिस्ट्रिक्टेड टू द मेरिस्टमेटिक रीजन. मेरिस्टमेटिक रीजन हैविंग नंबर ऑफ मेरिस्टेम. ये जो मेरिस्टेम है ये अंडरगोज रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन, बहुत सारा डिवीजन होता है टू फॉर्म न्यू सेल एंड दिस न्यू सेल अंडरगोज डिफरेंशिएशन. सो नाउ दिस आफ्टर डिफरेंशिएशन इट गिव राइज टू न्यू ऑर्गन्स. सो दिस डिफरेंशिएशन इज करस्पॉन्डिंग टू द डिफरेंट स्टेजेस of the growth and these different stages of the growth include phases of cell division, usko formative phase bolte, phases of cell enlargement, isko elongation bolte, and third phases of cell maturation. So there are three phases of growth: phase of cell division, phase of cell enlargement, and phase of maturation. So first dekhte hain phase of cell division. सो इट इज़ अ फर्स्ट फेज ऑफ ग्रोथ. फेज ऑफ सेल डिविजन क्या है, फर्स्ट फेज ऑफ द ग्रोथ. सो इन दिस फेज द मेरिस्टमेटिक सेल अंडरगोज रिपीटेड माइटोसिस डिविजन टू फॉर्म न्यू डॉटर सेल. इस फेज में जो मेरिस्टेम है वो कंटिन्यूस डिविजन होते हैं और नए डॉटर सेल बनाते हैं. सो ये मेरिस्टेम सेल का स्ट्रक्चर कैसा है, तो मेरिस्टेम का जो नए सेल का स्ट्रक्चर कैसा है, उसका जो सेल वॉल है वो थीन है, दे हैविंग थीन वॉल, थीन सेल वॉल, नॉन वैक्यूलेट, इसमें वैक्यूल नहीं रहता है, साइटोप्लाज्म में वैक्यूल नहीं रहता है, न्यूक्लियस बड़ा रहता है, प्रोमिनेंट रहता है, एंड साइटोप्लाज्म कैसा रहता है, ग्रैनुलर. तो जो नए डॉटर सेल्स बनते हैं, नए सेल, उसका सेल वॉल थीन है, वैक्यूल नहीं है उसमें, लार्ज न्यूक्लियस है और ग्रैनुलर साइटोप्लाज्म है. सो नाउ दिस फेज, फेज ऑफ सेल डिविजन इज करस्पॉन्डिंग टू द लैग फेज. इससे करस्पॉन्ड है लैग फेज, क्योंकि लैग फेज में ग्रोथ बहुत, ग्रोथ रेट कैसे रहता है, स्लो रहता है. सो दीज आर द फेजेस ऑफ सेल डिवीजन, फॉर्मेटिव फेज. नाउ द नेक्स्ट वन, फेजेस ऑफ सेल इनलार्जमेंट या इलोंगेशन. सो दीज आर द सेकंड फेज. इस फेज में क्या होता है, जो न्यूली डॉटर सेल्स बने आफ्टर सेल डिवीजन, दिस सेल अंडरगोज इनलार्जमेंट. तो इस सेल, जो इस स्टेज में जो पहले डॉटर सेल बने हैं पहले फेज में, वो इनलार्ज हो जाते हैं एंड इंक्रीज देयर साइज एंड वॉल्यूम, उसकी साइज और वॉल्यूम इंक्रीज हो जाती है. सो नाउ द न्यूली, उसकी साइज बढ़ गई, सो इट द वैक्यूल इज अपीयर. वैक्यूल क्या हो जाता है,
appear in the cell. Okay, and the newly formed cell become vacuolated, vacuole appear ho jata hai, and these cells are osmotically become active and turgid due to the absorption of water. Size increase ho gayi to ye osmotically active bhi ho jata hai aur turgid ho jata hai due to the absorption of water. Ye cell enlargement mein water absorb kar leta hai. Okay, now this cell, this phase of cell enlargement or elongation is correspond to the log phase. Log phase mein growth rate sabse ज़्यादा रहता है. वंस अगेन आई विल रिपीट, फेज ऑफ सेल इनलार्जमेंट ये सेकंड फेज है. इस फेज में जो न्यूली फॉर्म डॉटर सेल्स है दे अंडरगोस इनलार्जमेंट, इंक्रीज देयर साइज एंड शेप. उसका साइज शेप इंक्रीज होता है. साइज शेप इंक्रीज क्यों होता है? बीच इंक्रीज होने की वजह से वैक्यूल बन जाता है. वैक्यूल बनने से ये सेल क्या करता है? एब्जॉर्ब वाटर. उसकी टर्जिडिटी ऑस्मोटिकली एक्टिव बन जाता है बाय द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर. और इस फेज में दिस फेज सेकंड फेज इज करस्पॉन्डिंग टू द लॉग फेज. ओके, एंड द ग्रोथ रेट इज वेरी हाई. नाउ द थर्ड फेज इज अ फेज ऑफ मैच्यूरेशन. द फेज ऑफ मैच्यूरेशन और डिफरेंशिएशन इट इज अ थर्ड फाइनल फेज. सो द इनलार्ज सेल, जो सेकंड फेज में जो सेल इनलार्ज हुए इट बिकम स्पेशलाइज टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन. तो ये सेल स्पेशलाइज बन जाते हैं. स्पेशलाइज मीन्स इट बिकम प्राइमरी परमानेंट टिश्यू, ओके, और सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू. तो परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट हो जाते हैं. प्राइमरी मीन्स पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्केलेन्काइमा, वाइल सिंपल परमानेंट टिश्यू बोलते हैं उसको, और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू मीन्स झाइलम फ्लोएम. सो दिस सेल अंडरगोज डिफरेंशिएशन टू फॉर्म प्राइमरी सेल्स एंड सेकेंडरी सेल्स. प्राइमरी परमानेंट मीन्स परमानेंट टिश्यू बोलते हैं, एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू. सो दे आर कन्वर्टेड इन टू सिंपल परमानेंट टिश्यू, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्केलेन्काइमा, एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, दैट इज झाइलम एंड फ्लोएम. ओके, नाउ इन दिस फेज द ग्रोथ रेट इज अ वेरी स्लो. इस फेज में जो ग्रोथ रेट है वो बहुत ही स्लो रहता है और स्टेडी रहता है. सो इट इज करस्पॉन्ड टू द स्टेशनरी फेज. जो ग्रोथ करो आप स्टडी करोगे नेक्स्ट, तो उसमें लैग फेज, लॉग फेज और स्टेशनरी फेज है. सो दिस फेज इज करस्पॉन्ड टू द स्टेशनरी फेज. तो हम लोगों ने फेजेस ऑफ ग्रोथ देखे. तो फेजेस ऑफ ग्रोथ में फर्स्ट देखा हम लोगों ने फेजेस ऑफ सेल डिवीजन. सेल डिवीजन में जो मेरिस्टेम है कंटिन्यूसली डिवीजन होता है टू फॉर्म न्यू डॉटर सेल. जो मेरिस्टेम की नए सेल है उसका सेल वॉल थिन है, वैक्यूल अब्सेंट है, न्यूक्लियस बड़ा है ग्रैनुलर साइटोप्लाज्म में, और इट करस्पॉन्ड टू द लैग फेज जिसमें ग्रोथ रेट बहुत स्लो रहता है. सेकंड फेज देखा हम लोगों ने फेजेस ऑफ इलोंगेशन. इसमें जो न्यूली फॉर्म सेल है वो इलोंगेटेड होते हैं, इंक्रीज इन देयर साइज एंड शेप. तो इसमें वैक्यूल फॉर्म हो जाता है, ऑस्मोटिकली एक्टिव बन जाता है, टर्जिट बन जाता है, एब्सॉर्ब वाटर हो जाता है, एंड इट इज करस्पॉन्ड दिस सेकंड फेज इज करस्पॉन्ड टू द लॉग फेज जिसमें ग्रोथ रेट बहुत हाई रहता है. और थर्ड का फेज ऑफ सेल मैच्योरेशन. इसमें सेल मैच्योर होते हैं और डिफरेंशिएशन टू फॉर्म सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू. और इसमें इट इज करस्पॉन्ड टू द स्टेशनरी फेज. इसमें ग्रोथ रेट बहुत ही स्लो रहता है. ओके, आज के लिए इतना ही. थैंक यू. Take care.